नमस्कार, मैं सारिका पंकज आपके लिए आज कहानियों के क्रम में कहानी लेकर आई हूं, जिसे लिखा है पंकज सुबीर ने। कहानी का नाम है चाबी। सीमा जी नहीं है क्या? रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने हाथ में ब्रीफकेस थामे लगभग 40-45 साल का एक आदमी खड़ा था। रश्मि को देखकर उस आदमी के चेहरे पर कुछ उलझन, कुछ प्रश्न भरे भाव उभरे, और उसी भाव में उस आदमी ने रश्मि से प्रश्न किया। जी, वो बाथरूम में है, कुछ काम है आपको? रश्मि ने भी उत्तर दिया और प्रश्न भी साथ में किया। नहीं, कुछ खास काम नहीं है, बस आप ये चाबी उनको दे दीजिएगा। उस आदमी ने एक चाबी का गुच्छा रश्मि की ओर बढ़ाते हुए कहा। कुछ उलझन भरे अंदाज में रश्मि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चाबी ले ली। उनको पता है मैं रोज अपनी चाबी यहीं पर छोड़कर जाता हूँ। बता दीजिएगा कि पड़ोस के सुधाकर राव चाबी देकर गए हैं। उस आदमी ने रश्मि को उलझन में देखा तो बोला, और बता दीजिएगा कि आज बच्चों को शायद स्कूल से आने में देर हो जाएगी, स्पोर्ट्स वगैरह है कुछ स्कूल में। जी, रश्मि अभी भी उलझन में थी। वो आदमी मुड़ा और मुड़कर सीढ़ियां उतरकर चला गया। रश्मि उस आदमी को जाते हुए देखती रही। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो रश्मि दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। रश्मि यहाँ इंदौर कोई परीक्षा देने आई है। ये उसकी सहेली दीप्ति के भाई का घर है, जहाँ वो ठहरी हुई है। कौन था रश्मि? सीमा ने बाथरूम से निकलते हुए पूछा। कोई चाबी देने आए थे, कह रहे थे आपको पता है। रश्मि ने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को हवा में हिलाते हुए उत्तर दिया। अच्छा, वो बाजू वाले सुधाकर होंगे, वहाँ टीवी के पास रख दो चाबी। सीमा का स्वर कुछ गहरा हो गया। और हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि उनके बच्चे आज स्कूल से देर से आएंगे, कोई स्पोर्ट्स वगैरह है स्कूल में। रश्मि ने टीवी के पास चाबी को रखते हुए कहा। ठीक है। सीमा का स्वर अभी तक असहज है। ये रोज रख कर जाते हैं चाबी? रश्मि ने प्रश्न किया। हाँ। तुम भी नहा लो, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। सीमा ने बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। रश्मि जब तक नहाकर निकली, तब तक सीमा नाश्ता बना चुकी थी। आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा सब। रश्मि को निकलते देखा तो सीमा ने कहा। दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि सीमा का मोबाइल बज उठा। हाँ भाई साहब, चाबी मिल गई है। रश्मि ने बता दिया है मुझे कि आज बच्चे देर से आएंगे। आप चिंता मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आज दिन भर घर पर ही हूँ। जब भी वो आएंगे चाबी दे दूंगी, सीमा ने कुछ मीठे स्वर में कहा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपको देर होती भी है तो मैं उनको कुछ हल्का फुल्का यहीं पर खिला दूंगी। सीमा ने एक बार फिर किसी के बात के उत्तर में कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वही चाबी वाले थे क्या? रश्मि ने पूछा। हाँ, वही थे, सीमा ने उत्तर दिया। कर लो कर लो, कुछ दिन और कर लो दूसरों के बच्चों की केयर, जब तक अपने नहीं हो जाते हैं। रश्मि ने शरारत से मुस्कुराते हुए ठिठोली की। अरे, तुमने जलेबियाँ तो बिल्कुल ली ही नहीं, यहाँ की फेमस जलेबियाँ हैं ये। सीमा ने बात को पलट कर दीप्ति के प्लेट में जलेबियाँ रखते हुए कहा। ये पड़ोस में ही रहते हैं? रश्मि ने जलेबी कुतरते हुए पूछा। हाँ, ये उस तरफ का घर उनका ही है। अच्छा बताओ, तुम खाने में क्या खाओगी? मेरी तो इच्छा है कि आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी का लंच किया जाए। सीमा ने बात को एक बार फिर से पलट दिया। वाओ, गुड चॉइस, रश्मि ने उत्तर दिया। चलो ठीक है, तुम नाश्ते के बाद जाकर पढ़ना, मैं ज़रा कुछ घर की हालत ठीक कर लूँगी, फिर लंच की तैयारी, सीमा ने कहा। नाश्ते के बाद दोपहर तक रश्मि पढ़ाई करती रही, लेकिन उसने देखा कि भाभी का मोबाइल हर घंटे आधे घंटे में बज उठता है। हर बार उसी पड़ोसी का फ़ोन होता है और हर बार वो कोई काम बताता है। हर बार भाभी आत्मीयता से उत्तर दे रही हैं। क्या है ये सब? मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो इरिटेट होकर खींच ही पड़ूं। मगर भाभी हर बार पूरे पेशेंस के साथ बात कर रही हैं, कहीं कोई झुंझलाहट नहीं, कहीं कोई खींच नहीं। सच ही कहती थी दीप्ति, आपके हाथ के बने आलू के पराठों का कोई जवाब नहीं, रश्मि ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा। सीमा ने लंच में आलू के पराठे, टमाटर की चटनी और खीरे का रायता बनाया है। दोनों साथ ही खाने बैठी हैं। अचानक किचन में रखा सीमा का मोबाइल फिर से बज उठा।
सीमा उठने को थी, रश्मि ने हाथ पकड़कर रोक दिया। अब चैन से खाना तो खा लो, ऐसा भी क्या, होंगे वही आपके पड़ोसी, बाद में कॉल कर लेंगे। सीमा कुछ अनमने भाव से वापस बैठ गई। मोबाइल कुछ देर तक बजकर चुप भी हो गया। कुछ देर बाद फिर से मोबाइल बजा। सीमा ने खसमसा कर रश्मि की तरफ देखा। नहीं, कुछ नहीं, बजने दो, पहले आप खाना खाओ बैठकर, कहते हुए रश्मि ने एक हाथ से सीमा का हाथ पकड़ लिया। मोबाइल बजकर फिर बंद हो गया। फिर बजा और बजता ही रहा। मोबाइल की घंटी मानो झुंझला झुंझला कर बज रही थी कि कोई तो उठाओ मोबाइल। और वही झुंझलाहट रश्मि के मन में भी हो रही थी। जब तक वे दोनों खाते रहे, तब तक मोबाइल की घंटी पार्श्व संगीत की तरह बजती ही रही। खाना खाकर रश्मि अपना प्लेट किचन में रखने गई तो देखा कि भाभी का मोबाइल 15 मिस कॉल की सूचना दे रहा है। अजीब है ये भी, किसी की प्राइवेसी का कोई ध्यान ही नहीं है। अरे भाई, यदि कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अभी व्यस्त है, कुछ देर बाद कॉल कर लो। ये क्या बात हुई कि दनादन एक के बाद एक कॉल करते ही जा रही हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में इतना भी मैनर्स नहीं होता क्या? रश्मि अंदर ही अंदर भुनभुना रही थी, प्रत्यक्ष में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या बात हो। इतने में किचन प्लेटफॉर्म पर रखा मोबाइल फिर बजा। सीमा ने फुर्ती से अपने हाथ पोछे और मोबाइल उठा लिया। हाँ भाई साहब, वो दीप्ति की सहेली आई हुई है ना, तो बस उसी के साथ खाना खा रही थी। मोबाइल यहाँ किचन में रखा था, आवाज़ ही नहीं आई रिंग बजने की। सीमा ने कुछ शर्मिंदगी से भरे लहजे में कहा। जी, मुझे पता है आपको चिंता हो जाती है, सीमा ने कॉल करने वाले की किसी बात के उत्तर में कहा। नहीं, अभी तो नहीं। जी, ठीक है, सीमा ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट करके रख दिया। रश्मि को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद भाभी उससे नज़रें चुरा रही हैं या किसी प्रश्न का उत्तर देने से अपने आप को बचा रही हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ, किसी के पर्सनल जीवन में मैं क्यों दखल दूँ। मुझे तो 2-3 दिन रहना है और फिर वापसी। मगर फिर भी कुछ अटपटा तो लग ही रहा है। रश्मि सोच में डूबी धीरे धीरे सौंफ का एक एक दाना हथेली पर से उठा उठा कर मुंह में रखती जा रही थी। चलो अब तुम अपनी पढ़ाई में लगो, नहीं तो हम दोनों गप्पे मारने बैठ गए तो तुम्हारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। कल परीक्षा दे लो, फिर रात को हम बैठ कर लड़ाएंगे सारी गप्पे, सीमा ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे देखा तो कहा। परीक्षा को लेकर रश्मि सारी तैयारी करके ही आई है, अब तो बस यूं ही उलट पुलट कर देखना है सब। फिर भी अपने कमरे में जाकर जब पढ़ने बैठी तो शाम तक पढ़ती रही, तब तक जब तक कि दीप्ति के भैया ऑफिस से आ नहीं गए। रश्मि, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं चाय पीने, आ जाओ थोड़ी देर। अब छोड़ो किताबें, कहीं कल सिर न दुखने लगे परीक्षा में, सीमा की आवाज़ आई तो रश्मि किताबें रख कर उठ खड़ी हुई। अरे बाप रे, कितनी शाम हो गई है, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला। आ जाओ चाय पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, भैया ने उसे आते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोले। चाय पीने के दौरान भी सीमा का मोबाइल 2-3 बार बजा और हर बार सीमा ने लगभग वैसे ही उत्तर दिए जैसे वो सुबह से रश्मि सुन रही थी। जी भाई साहब, अभी बच्चे तो नहीं आए हैं। जी, मैं खिला दूंगी। रश्मि ने देखा कि भैया सीमा की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो चुपचाप अपने मोबाइल से खेलते हुए चाय पी रहे हैं। रश्मि को एक बार फिर से अजीब लगा। दिन भर का थका हारा पति घर आया है, ऐसा भी क्या कि पति तो चुपचाप चाय पी रहा है और ये बातों में लगी हैं। रश्मि के अंदर की ननद सिर उठाने लगी, मगर फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। रात को क्या बन रहा है भाई, सीमा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो भैया ने पूछा। कुछ हल्का ही बनाऊंगी रात को, कल रश्मि की परीक्षा है सुबह, रात को हैवी खाना ठीक नहीं रहेगा, सीमा ने चाय के कप को उठाते हुए उत्तर दिया। सीमा उठकर किचन में चली गई और रश्मि भैया से बतियाने लगी। दरवाजे की घंटी सुनकर सीमा किचन से निकली और टीवी के पास रखी चाबियां उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जी भाई साहब, बच्चे तो अभी तक आए नहीं, शायद देर से आएंगे, सीमा का स्वर दरवाजे के पास से आ रहा था। कुछ देर बाद सीमा दरवाज़ा बंद करके फिर से किचन में चली गई। भैया, रश्मि से रहा नहीं गया, क्या है ये सब, कौन है ये
भैया के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारी भाभी ने तुमको कुछ नहीं बताया? नहीं तो? रश्मि को लगा कि उसका प्रश्न शायद गलत हो गया है। इतना कहकर भैया कुछ देर को चुप हो गए, हाथ के मोबाइल को टेबल पर रखा और चश्मा भी आंखों से उतार कर टेबल पर रख दिया। ये पड़ोस में ही रहते हैं, सुधाकर राव नाम है इनका, भैया ने कहना शुरू किया। जब इनके बच्चे छोटे थे तभी इनकी पत्नी चल बसी थी, तब से इन्होंने ही अपने दोनों बच्चों को माँ बाप दोनों की तरह पाला। बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। साल भर पहले जब यहाँ पड़ोस में रहने आए तो हम लोग भी सहयोग करने लगे। ये ऑफिस जाते समय इसी प्रकार सीमा के पास घर की चाबियाँ छोड़कर जाते थे। बच्चे दोपहर के बाद स्कूल से लौटकर आते, चाबी लेकर घर चले जाते। उसके बाद सीमा शाम तक कई बार चक्कर लगाकर देखती रहती कि बच्चों को कुछ ज़रूरत तो नहीं है। कभी बच्चों के लिए बाजार से कुछ लाना होता तो इनको फ़ोन करके बता देती या इनका ही फ़ोन आ जाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। बात को बीच में छोड़कर भैया कुछ देर के लिए रुके। ऐसे ही चल रहा था कि अचानक अभी महीने भर पहले इनके बच्चों के स्कूल ऑटो को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। और कहते कहते भैया ने बात को बीच में ही छोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार ये अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आए हैं। अभी भी समझते हैं कि इनके बच्चे स्कूल से आएंगे, कहीं आ तो नहीं गए होंगे। आए तो ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं गए हों और बच्चे चाबी के लिए परेशान हों। बस यही सब सोचते रहते हैं और दिन भर सीमा को फोन करते रहते हैं। कभी बच्चों के खाने की चिंता करते हैं तो कभी देर होने की, कभी कुछ और। सीमा अपने हिसाब से हैंडल करती रहती है। भैया का स्वर उदासी में डूब चुका था। वो अभी भी उसी समय में जी रहे हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे। विश्वास नहीं कर पा रहे कि अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इस चाबी को लेने, कोई नहीं। रश्मि स्तब्ध अवस्था में बैठी हुई और भैया मानो अपने आप से ही बातें करते हुए बुदबुदा रहे थे। अभी मैं जिनकी कहानी लेकर आप सब से रूबरू हुई उनका नाम है पंकज सुबीर। आज 11 अक्टूबर है और उनका जन्मदिन भी। जन्मदिन विशेष पर उनकी लिखी कहानी लेकर मैं आप सबके समक्ष आई। आपका जन्म 11 अक्टूबर 1975 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा कस्बे में हुआ। पिता के शासकीय सेवा में चिकित्सक होने के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शिक्षा दीक्षा हुई, उसमें भी अधिकांश सीहोर जिले में। प्राथमिक शिक्षा शाजापुर जिले के सुसनेर कस्बे में तथा सीहोर जिले के आष्टा कस्बे में हुई। माध्यमिक तथा हाई स्कूल शिक्षा सीहोर जिले के ही छोटे से कस्बे इछावर में हुई। तत्पश्चात सीहोर के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। उसके बाद पत्रकारिता में रुचि के कारण विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में अपनी सेवा देते रहे। डिजिटल मंच पर भी आपने अपना सिक्का जमाया हुआ है। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित व नित्य नए क्षेत्रों में अपने डिजिटल मंच से जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए काफी प्रसिद्ध भी हैं। साहित्य तक की टीम की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि आप भी अपने पसंद की कहानियां यहां सुन सकते हैं। इसके लिए हमें मेल करें या कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपकी पसंद आप तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। सारिका पंकज का अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।